सर आपके पास है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नई क्यूरी के ऊपर, और आप लोगों को रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, अच्छी चीज़ है। देखिए, रिकॉर्डिंग इन यहाँ प्रोग्रेस। जो प्रॉब्लम है उसको समझिए क्या है। एक डेटा है और डेटा में कुछ इस तरह के कॉलम्स हैं, लिख रहा है सर। हालांकि ये डेटा मुझे भी इस तरह का आता था, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग करता था, अपने ट्रेनिंग से मार्केटिंग करता हूँ, जिसमें मोबाइल नंबर्स पे व्हाट्सएप और एसएमएस भेजने का काम करता था। अब तो नहीं करता, क्योंकि अब तो सब यूट्यूब से ही होता है हमारा, यूट्यूब पे सब कुछ होता है, यूट्यूब से बच्चे आते हैं आते। तो उस केस में क्या होता था कि हम किसी से नंबर मांगते थे ना, तो मुझे नंबर इस तरह से दे देता था, मोबाइल नंबर, जैसे आपका अकाउंट नंबर मिला है ना सर। अब मुझे इसको जी एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है, वीलुकअप लगाना है, तो फिर मुझे जितने कॉलम्स, अगर 500 कॉलम्स है आपको, तो 500 बार वीलुकअप लगाना पड़ जाएगा 500 कॉलम में। लेकिन ये सारे का सारा डेटा एक कॉलम में अरेंज हो जाएगा, एक कॉलम में अरेंज हो जाएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो हमें डुप्लीकेट ढूंढना भी आसान हो जाएगा, साथ में हमें उस पर वीलुकअप वगैरह लगाना और बहुत सारी चीज़ें बहुत फायदेमंद हो जाएगा हमारा। तो 2013 तक तो इसको वीवीए प्रोग्रामिंग से ही कर पाएंगे, बाकी कोई उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की, तो हमारे पास एक है आपके पास, तो आप पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें, सारा डेटा, नीचे ब्लैंक में मतलब नहीं, सारा डेटा को सिलेक्ट कर लें। तो हमारे पास पावर क्यूरी है, पावर क्यूरी की मदद से कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन होता है अनपिवट डेटा। तो डेटा मेनू बार में जाना है, अगर कोई फाइल पर्टिकुलर अलग फाइल है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल में करना चाहते हैं तो फ्रॉम एक्सेल कर लें, लेकिन मैं इसी फाइल में करना चाहता हूं, तो यहां पे अदर सोर्सेज में हम जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, अपने आप इसको टेबल में क्रिएट क्रिएट करके और आपके सामने पावर क्वेरी पे डाल देगा। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ जो है वो टेक्स्ट में है, तो एक्सेल पे डेटा जो हमारा है वो टेक्स्ट है हमारा, लेकिन यहाँ एक्सेल पे डेटा टेक्स्ट में है, बट ये नंबर आइडेंटिफाई हो गया, इस वजह से प्लस हो गया। अब यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस है तो एक बार डिसाइड कर लीजिए कि कितने डिजिट का डेटा है आपका। अगर आपका डेटा 15 डिजिट से नीचे का है, प्लस का साइन आया हुआ है, तो आप कोई बात नहीं, कर दीजिए, नंबर में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग में हैश देके आप शो करवा लीजिएगा। पर 15 डिजिट से ज्यादा है और आपने इसको अब यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया टेक्स्ट में, तो क्या होगा, 15 डिजिट के बाद जितना भी डिजिट होगा सबको जीरो में बना देगा। इसको ऐसी सर गलती, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, आपको 500, यही भी एक दिक्कत है, 500 कॉलन है, तो पहले 500 कॉलन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया सर, सारे कॉलन सेलेक्ट हो गया। उसके जी बाद ऊपर ट्रांसफॉर्म दिखेगा, ट्रांसफॉर्म में जाइए और यहाँ अनपिवट कॉलन पे आइए। किस पे आइएगा, अनपिवट कॉलन। तो इसमें जो आपका हेडिंग है वो हेडिंग इस तरह से नीचे आ जाएगा और हेडिंग के नीचे सारा का सारा डेटा आएगा। अब डेटा को करने से पहले मुझे इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। ऊपर होल नंबर की जगह पे मैंने इसको ले लिया, इसमें नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट है उसी में था। टेक्स्ट कंसी परसेंटेज टाइम, हाँ टेक्स्ट, तो नंबर में कन्वर्ट हो गया, कहीं जीरो भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। जी आप इसको क्या कीजिए, आप इसको जो है एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, अगर ये कॉलम नहीं, हेडिंग नहीं चाहते हैं, तो इसको यहीं पे आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। रखना है, रखिए, रिमूव करा, रिमूव कीजिए, देन लोड एंड क्लोज। एक नई शीट पे आपका सारा इस तरह से नंबर आ गया। ठीक है, जी सर। तो एक बार काउंट करके मैच कर लीजिए, कोई छूटा तो नहीं है। एक टोटल काउंट है 242, और हम अपने डेटा पे आते हैं और इसके भी 252 है सर। तो हो सकता है बीच में कुछ ब्लैंक हो, इस कारण से दिक्कत हो गई होगी, जी। नल को भी ब्लैंक वगैरह होगा। जी सर, ठीक है, या डुप्लीकेट हो सकता है, जी। समझ में आया आप लोगों को सर ये चीज। जी तो जी देखो, समझ तो में आ गया। अनपिवट के मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमने पिवट टेबल लगाया था और पिवट टेबल को वापस नॉर्मल चेंज कर, जी नहीं, पिवट टेबल जो रिपोर्ट देता है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में देता है। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट को नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाले टॉपिक्स को अनपिवट कहा जाता है, समझे। समझ गया जी सर। अब ऐसा क्यों किया जाता है,
क्योंकि मान लीजिए ना आपको डेट वाइज रिपोर्ट ऐसे ही चीज़ें हम आपको आपके इस क्लास में भी चीज़ें पढ़ाते हैं आपको। कभी कभी क्या होता है, अब इसमें एक नया देखिए क्या है, जब एक टॉपिक पढ़ रहा है तो इसी टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नेम है राइट, और आपके पास जो डेट डेटा आया और डेटा आया इस तरह से डेट वाइज, और डेट बहुत सारे डेट आपको 3 महीने साल भर 2 साल का जो भी डेटा है आपको यहाँ पे दिख गया। अब प्रॉब्लम आती है कि इस डेटा पे आप जो है कोई एनालिटिक्स लगा, मान लीजिए आपको मंथली सेल निकालना है, क्वार्टरली सेल निकालना है, तो पिवट भी वर्क नहीं करेगा और आपका नॉर्मल समीफ के फॉर्मूले वगैरह भी वर्क नहीं करेंगे। अगर करने चाहो तो बहुत लंबी होगा, मान लीजिए जनवरी का सेल चाहिए तो आपको 30 कॉलम को लेके सम करना पड़ेगा और डायनेमिक नहीं होगा, मैनुअल होगा। बात समझ रहे हैं सर? जी सर। लेकिन यही डेटा रो में होता, यही डेटा आपका रो में होता तो आसानी से कर सकते हैं। रो मतलब कुछ इस तरह से होता कि यहाँ पे नेम, डेट एंड सेल्स, कुछ इस तरह से होता तो आसानी से हम इसको फिल्टर वगैरह और आसानी से इसको अब जो है पिवट वगैरह पे लगा सकते थे, फॉर्मूले वगैरह लगा सकते, सब कुछ इस पे वर्क करता है। तो इसको करने के लिए आपको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद चले जाइए डेटा में। डेटा में यहाँ गेट डेटा और ये आपके सामने दिख रहा है फ्रॉम टेबल, ये फाइल नहीं है। अगर डिफरेंट फाइल पे करोगे, मान लीजिए सी टेबल वन टेबल टू एक्सटर्नल डेटाबेस में, तो आप फ्रॉम फाइल लीजिएगा, लेकिन मैं फ्रॉम टेबल रेंज लेता हूँ। तो जैसे फ्रॉम टेबल क्लिक करेंगे तो टेबल में कन्वर्ट कर देगा, माई डेटा हैज ए हीडर है, ऊपर वाला हीडर है एंड ओके कर दीजिए। तो ये आपका जो खुला है पावर क्वेरी खुला। अब जैसे एक चीज़ देख लीजिए, पूजा की पूजा हमारा मर्ज नहीं होने वाला है, पूजा सिंगल कॉलम है ना सर? जी। तो इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जिस कॉलम को कॉपी पेस्ट करना है एक के नीचे उसको करना है, सिर्फ इसको तो नहीं करना है, तो फिक्स है जी। तो उसको छोड़ के बाकी सब को सिलेक्ट कर लेना। अगर उसको भी कर दीजिएगा ना, तो उसको भी एक के नीचे कॉपी पेस्ट मार देगा जी। जैसे अब इससे पहले एग्जांपल मैं आपका दिया है, और सबसे लास्ट में जाते हैं और शिफ्ट के साथ मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। सारा सिलेक्ट हो गया हमारा जी। देन जाएंगे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे अनपिवट। अब देखिए यहाँ पे आगे नेम एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, तो एट्रीब्यूट है इसके जगह पे आप डेट कर दीजिए, इसको चेंज किया जा सकता है ठीक है, और वैल्यू के जगह पे चेंज कर दीजिए। जब आपका फाइनल हो जाए इसमें, और ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कॉलम वगैरह और भी ऐड कर सकते, जब मैं पावर क्वेरी क्लास दूंगा तो समझा दूंगा, इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि एमआरपी वगैरह या कुछ रेट वगैरह टेक्स्ट वगैरह चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, होम पे आइए, लोड एंड क्लोज कर दीजिए, एक नई शीट पे ये डेटा इस तरह से हो गया। अब इसमें इजीली पिवट लगाया जा सकता है ना सर? बिल्कुल सर। आप लोग डेटा नहीं चाहिए, डायरेक्ट पिवट चाहिए, तो लोड टू पे क्लिक करके डायरेक्ट पिवट टेबल पा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, डेट को मैंने राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया, ग्रुप कैन नॉट ग्रुप दिस सिलेक्शन, लग रहा है कुछ ब्लैंक वगैरह होगा इसमें, कुछ ब्लैंक वगैरह होगा इस कारण से ग्रुप नहीं हो रहा है। अरे यहाँ ग्रुप नहीं होगा तो हम डेटा पे क्लिक कर देंगे क्या सर? आना चाहिए ग्रुप, होना चाहिए इसको। हाँ हाँ ग्रुप नहीं हो रहा है, उसका रीजन है सर, इसका रीजन है वो टेबल पे, नहीं टेबल नहीं, इसका रीजन है ग्रुप ना होने के कारण। आप डेटा पे जाइए टेबल 4 पे और इसको जाइए इसके इसमें आइए कन्वर्ट करना पे, इसमें आप चले जाइए रिफ्रेश प्रॉपर्टीज क्यूरी कनेक्शन, इस पे डबल क्लिक कीजिए ना राइट क्लिक, एडिट पे क्लिक कीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये मर्ज हुआ तो ये डेट नहीं रहा, टेक्स्ट हो गया, देखिए दिख रहा है ना सर, और टेक्स्ट तो ग्रुप होता नहीं है ना सर मंथ वाइज, तो डेट का, तो इसको आप डेट एंड टाइम या डेट कर दीजिए एंड देन लोड एंड क्लोज कीजिए, अब ये डेट हो जाएगा, ये हो गया डेट जी। अब अपने पिवट को जाइए रिफ्रेश कीजिए आप, अब इसको आसानी से ग्रुप किया जा सकता है।
ऑलरेडी फेवर्ड में ले लिया सर। आ गया ना सर? जी सर। ग्रुप हो गया ना मंदवाइज? जी जी तो अनफेवर्ड डेटा पावर क्यूरी के अंदर में, पावर क्यूरी का नाम पावर से जाना गया कि क्यूरी में पावर है सर। बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छी, बहुत काम को बहुत आसान कर देता है। जैसे अभी अभी राजेश जी की घंटों का काम को हमें लगता है 500 कॉलम को कॉपी पेस्ट करने में तकरीबन एक डेढ़ मिनट सर। एक डेढ़ मिनट? हाँ उससे भी कम सर। नहीं, मैनुअल करने में? मैनुअल करने में तो बहुत टाइम सर, उसको मैचिंग करने में बहुत टाइम चला जाएगा, दिन निकल जाएंगे सर। जी हाँ, तो इस काम को सोल्यूशन कर दिए, इसलिए हम कहते हैं सर स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। जी जी ठीक है, ठीक है सर।